या वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ सुभाष चंद्र अकेडमी आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड आई होप स्टूडेंट्स यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स आर गुड एट योर होम्स एंड योर स्टडीज आर गोइंग वेल। इन द सीक्वेंस ऑफ योर बुक हनी ड्यू फॉर क्लास 8 इंग्लिश, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएम द डक एंड द कंगारू। This poem is about two different kind of animals. The first one is duck and second one is kangaroo. And both are talking in their own languages. Though animals cannot talk in like human beings, but this is a poem, and in a poem they can talk. So let's start the poem. The duck and the kangaroo. Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is wary of her wet feet. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about it. Two friends, the duck and the kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. Here in the poem, there are two friends, the duck and the kangaroo. They were fast friends and they are going to start a journey, and both are very happy. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail. Here in the poem, kangaroo is very happy because he is going to carry the duck on the tip of his tail. Because duck cannot move a lot and kangaroo can move a lot. So here in the picture you can see also the duck is sitting on the tip of the kangaroo, is wary of her wet feet, but kangaroo is also a little bit worried because he is feeling that the duck's feet are wet. What will the duck do make the kangaroo feel comfortable? We have to find out then what did the duck do when the kangaroo felt that duck's foot are wet. Let us find out how they go about it. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop." Yani जो डक है वो कंगारू से कह रहा है, गुड ग्रेशियस मीन्स तुम कितने दयालु हो। गुड मीन्स अच्छा, ग्रेशियस मीन्स दयालु, यानी तुम बहुत ही एक अच्छे दयालु व्यक्ति हो। हाउ यू होप या हाउ यू हॉप, तुम किस प्रकार उछलते हो। हॉपिंग जैसे मेढक उछलता है, मेढक के जो चलने की गति है, जो चलने का तरीका है, उसको हॉप कहते हैं, जिसको हिंदी में फुदकना कहते हैं, फुदकना। तो डक कंगारू से कहता है कि तुम बहुत अच्छे दयालु हो, कि तुम अच्छे से उछल लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम जमीन और पानी दोनों जगहों पर अच्छे से उछल लेते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे नहीं। My life is a bore in this nasty pond. Nasty pond. यानी डक कंगारू से कह रहा है कि मेरा जीवन इस खराब पॉन्ड में बहुत ही बोरिंग हो गया है। And I long to go out in the world beyond. और मैं पूरी दुनिया का सैर करना चाहता हूँ। I wish I could hop like you. मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह उछलूं। सेड द डक टू द कंगारू, यानी डक ने कंगारू से कहा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। सेड द डक टू द कंगारू,
डक ने कंगारू से कहा कि कृपया मुझे अपने पिछले हिस्से पर बैठा लीजिए। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग आउट क्वैक। मैं शांति से इस पर बैठूंगा और मैं अपनी भाषा में क्वैक क्वैक करूंगा। क्वैक क्वैक यानी पक 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 करना, यानी बत्तख की जो आवाज़ है, बत्तख के जो बोलने का तरीका है, उसको हम इंग्लिश में क्वैक कहते हैं, हिंदी में पक पक करना कहते हैं। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी वुड गो टू दी एंड जेली बोली, यानी पूरे दिन टहलने के दौरान हम लोग दो ह्यूमन बीइंग्स दी और जेली बोली के घर जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम लोग जमीन पर और समुद्रों में घूमेंगे। प्लीज टेक मी ऑन राइड ओ डू, अगेन डक कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने पिछले हिस्से पर बैठा लीजिए। सेट द डक, सेट द कंगारू टू द डक। अब कंगारू डक से कह रहा है दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का मतलब तो हिंदी में परछाई होता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मीनिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब होता है थिंक डीपली, यानी गहराई से सोचना। यानी कंगारू डक से कहता है कि मुझे थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। दिस रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मतलब, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, दैट इज़ अ नीड, नेसेसिटी। दिस रिक्वायर्स मीन्स इसमें ज़रूरत है अ लिटिल रिफ्लेक्शन, यानी मुझे थोड़े से सोचने की ज़रूरत है, मैं गहराई से सोचना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है थिंकिंग डीपली। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, और शायद तुम मेरे लिए लकी साबित हो सकते हो। एंड थ्री सीम्स एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और मुझे केवल एक आपत्ति, एक ऑब्जेक्शन समझ में आता है, विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बताऊं, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं वो भीगे हुए हैं और ठंडे हैं, और जो मुझे अनप्लीजेंट लगते हैं, अनप्लीजेंट माने अच्छे नहीं लगते हैं, प्लीजेंट का मतलब शानदार होता है और अनप्लीजेंट का मतलब दुखदाई या दुखद होना। तो कंगारू डक से कह रहा है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो ठंडे हैं और भीगे हैं। तो कंगारू इज सेइंग सो बिकॉज Duck lives in the pond and he is feeling that it may be duck's feet are wet and cold and would probably give me the rheumatics, said the kangaroo. कंगारू ने डक से फिर कहा कि संभवतः तुम्हारे जो पैर हैं वो भीगे हुए हैं और ठंडे हैं, जिससे मुझे ज्वाइंट पेन्स हो सकते हैं। रू मैटीज, ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन रू को अलग करके राइटर ने मैटीज को नीचे किया हुआ है, तो वो रू और कंगारू को एक राइमिंग स्कीम देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो रू मैटीज का मतलब होता है ज्वाइंट पेन, यानी जोड़ों में दर्द होना। यानी कंगारू ने डक से अपनी बातें कह दी कि मुझे तुम्हें लेकर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन ये है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हैं और ठंडे हैं, जिससे मुझे ज्वाइंट पेन्स हो सकते हैं। सेट द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स। अब देखिए डक अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है। डक कहता है कंगारू से कि मैं चट्टानों पर बैठा था। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, यानी जब मैं रॉक्स यानी चट्टानों पर बैठा था तो मैंने अपने भीगे हुए और ठंडे पैरों के बारे में बहुत अच्छे से सोचा। एंड आई बॉट फोर पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, और मैंने फोर पेयर्स यानी चार जोड़े अच्छे ऊन के सॉक्स खरीदे।
विच फिट माई वेव फीट नीटली, जो मेरे जालीदार पैरों को अच्छे तरह से ढक सके, यानी उसमें फिट आ सके। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक क्लॉक, क्लॉक मतलब होता है चोंगा या लबादा, यानी सिर के ऊपर जो बड़ा सा चोंगा या लबादा लगाते हैं, जो पीठ तक लटका रहता है, उसको हम क्लॉक कहते हैं। इसको हिंदी में चोंगा कहते हैं, लबादा कहते हैं। तो डक जो है कंगारू से कहता है कि ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबादा भी खरीदा हुआ है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और रोज मैं एक चिराग भी जलाऊंगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव अब कंगारू। अब डक कहता है कि चूंकि ओ कंगारू मुझे तुमसे प्यार है, यानी मैं तुमसे गहरी दोस्ती रखता हूँ, इसलिए मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। सेड द कंगारू आई एम रेडी, तब कंगारू ने कहा आई एम रेडी, यानी मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी उस चंद्रमा की धुंध रोशनी में, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे अच्छे से संतुलन में रखने के लिए, डियर डक सिट स्टेडी, यानी ओ प्यारे डक तुम शांत होकर बैठना, हिलना डुलना मत। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, यानी तुम मेरे पूंछ के अंतिम छोर पर शांति से बैठ जाओ। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड अ बाउंड। अब इस प्रकार से वो बहुत दूर तक उछलते हुए और कूदते हुए गए। एंड दे हॉप्ड द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड 3 टाइम्स अराउंड, और उन्होंने 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पूरी दुनिया का सैर किया। एंड हु सो हैप्पी, और कौन बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, ओ हु कौन प्रसन्न था, एज द डक एंड द कंगारू, जैसा कि वो डक या कंगारू, यानी उस डक और कंगारू में से कौन सबसे ज़्यादा प्रसन्न था। ये एडवर्ड लियर जो इस पोयम के राइटर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि हु इज मोर हैप्पी। तो देयर इज नो कंपैरिजन अबाउट हैप्पीनेस, वेदर डक और द कंगारू इज मोर हैप्पी। एक्चुअली बोथ आर हैप्पी, बोथ वे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज दे हैव होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स। उन्होंने पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर किया, 3 बार चक्कर लगाया। तो मीन्स द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज फुल ऑफ प्लेजेंट थिंग्स। सो दे टर्न्ड राउंड 3 टाइम्स टू द होल वर्ल्ड, इसीलिए तो उन्होंने पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया। दस स्टूडेंट्स, द पोयम हैज बीन फिनिश्ड, और रीड द पोयम एंड मेक ऑल द लाइन्स क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।